हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अक्सर मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर लाता हूं, और जैसे आपको मालूम है कि 3 दिन पहले मैं आपके सामने ये वीडियो लाया था जिसमें मैंने सब बातें आपको क्लियर कर दी थी, लेकिन आज काफ़ी कमेंट इसको लेकर आ गए कि जनजाति विभाग ने हमारी चयन सूची और प्रतीक्षा सूची क्यों हटा ली है। तो इसके लिए हम MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाएंगे और जो जनजाति विभाग का फोल्डर बना है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो चयन सूची और प्रतीक्षा सूची है वो हटा ली गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग एक की जो चयन सूची और प्रतीक्षा सूची थी वो हटा ली गई है। साथ में हम वर्ग दो का भी देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्ग दो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चयन सूची और प्रतीक्षा सूची हटा ली गई है। अब सवाल यही मन में आता है कि क्यों हटा ली गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये मैसेज देखना है दोस्तों कि चाहे माध्यमिक शिक्षक हो या उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग एक वर्ग दो, आपके शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह प्रारंभ की जाएगी। उससे पहले वर्ग दो के जनजाति विभाग के जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दर्शाई जाएगी। यानी कि जो ये शेड्यूल है दोस्तों, ये वर्ग एक का शेड्यूल है, ये भी अपने आप में अपडेट होगा। और जहाँ तक बात करें वर्ग दो के शेड्यूल, तो वो भी यहाँ पर अपडेट होगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट फिर से अपडेट की जाएगी दोस्तों। ये टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि कंप्यूटर ये समझता है कि 22 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी जो सूची होती है वो कई बार हटा देता है। तो इससे आप पैनिक ना करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर से आपके ये मान के चलें कि 1 जून या 2 जून को जो भी अपडेट आएगा उसके साथ ही आपकी जो सूची है, चाहे चयन सूची हो चाहे प्रतीक्षा सूची हो, वो वापस आ जाएगी। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।